गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो ये रहा मेरी सुबह की विश गुड मॉर्निंग आपके लिए। और अभी मैं आई हूँ अपने किचन में, और हमारी सुबह ना सिर्फ किचन से ही शुरू होती है और लास्ट रात भी किचन पे ही जाके ख़त्म हो जाती है। तो ये हम हाउसवाइफ की पुरानी जो है चले आ रहे हैं। तो पानी गर्म करके मैंने पी लिया है, और उसके बाद मैं बना रही हूँ मैं अपने लिए हेल्थ ड्रिंक। और ये हेल्थ ड्रिंक क्या है, ये इससे ना जो है वज़न कम होता है, और साथ में जैसे प्रॉब्लम रहती है ना कभी कभी दर्द वगैरह की, तो नहीं होती है। तो इसके लिए मैं बना रही हूँ ये वाला ड्रिंक, और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इसमें मैंने तेज़ पत्ता डाला है, और थोड़ी सी अदरक डाली है, और हल्दी डाली है, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं ऐड किया है। अगर आपका मन हो तो आप गुड़ मिला के पी लो, नहीं तो आप ऐसे ही पी सकते हैं। और जब ज़्यादा अगर आपको वज़न की ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप इसमें शहद मिला के भी पी सकते हैं, बट मैं इसको ऐसे ही पीऊँगी बिना कुछ मिलाए। और इधर मैंने अपने लिए लिया था गर्म पानी। तो गर्म पानी के साथ जो मेरा सबसे पहला सुबह का होता है ना, मैं खाती हूँ, आज अपने लिए बनाया था मैंने एक, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपना ख्याल रखना। तो जो है मैंने इसके लिए बनाया था मेथी जीरा का और अजवाइन का पाउडर है, कच्चा ही पीसा था इसको, रोस्ट नहीं किया है। तो उसी का एक चम्मच मैं उसको ले रही हूँ गर्म पानी के साथ। और ये है मेरी दवाई, सुबह जो हुई है अब दवा से शुरू होती है। तो बस जो है मैं इसको ले रही हूँ, और इसके साथ मैं लूँगी गर्म पानी। और थोड़ी देर के बाद जब वो थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि भी बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको अभी नहीं लेंगे, हल्का सा तब तक ठंडा हो जाएगा, तब तक मैं झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। तो जो है बस अभी मेरा ड्रिंक अच्छा सा तैयार हो गया है बन के, तो मैं इसको निकाल ले रही हूँ अपने लिए, क्योंकि बाकी लोग तो चाय पियेंगे तो उनके लिए चाय वगैरह सब बन चुकी है। और हम लोग का होता है ना कि थोड़ा सा जो है हेल्थ कॉन्शियस होना पड़ता है, उम्र के साथ हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है, मैं तो ऐसा मानती हूँ। और देखिए हम लोग रहते हम मैं रहती हूँ तो गांव में हूँ, और हम और शुरू से ही मैं सुबह इतनी ही टाइम उठ रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन आप चाहे जितना भी परहेज कर लो, कुछ भी कर लो, जो चीज़ जो होना है वो हो के रहेगा, वो किसी के कहने से नहीं बदलने वाला, ना ही अपने आप की लाइफ स्टाइल से। क्योंकि अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं टीवी में, हर जगह पे न्यूज़ सुन रही हूँ कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, उन जो लोग हमेशा अपने हेल्थ के लिए बहुत जागरूक हैं, उन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसा मैं ठीक है, हेल्थ इशू जिसके साथ होगा तो होगा ही, तो लेकिन ये है ये सावधानी तो बरतनी चाहिए। तो कभी कभी ना रिकॉर्डिंग करते समय ही फ़ोन आ जाता है, तो नहीं जो है एकदम से नहीं रोक सकते ना, तो इसलिए आवाज़ उसमें आ गई, इसके लिए सॉरी। और अभी जो है आटा वगैरह सब मैं गूंथ चुकी हूँ, और मेरी तो ये रोज़ की दिनचर्या है कि बस अगर किचन में एक बार घुसे हैं तो एक टाइम का जो भी काम है उसको निपटा लेते हैं, उसके बाद ही बाहर निकलती हूँ। तो सवेरे का समय है तो बच्चों को टिफ़िन देना है, तो जो भी बनाइए ताज़ा बनाइए और ताज़ा ताज़ा दीजिए, वो फ्रिज में रखा हुआ देने के लिए मुझे नहीं लगता कि सही लगता है। अगर कोई प्रॉब्लम है, नहीं उठ सकते हैं या ऐसा कुछ है तो ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं कोशिश करती हूँ कि जो है बिल्कुल भी ना दिया जाए, तो जो बना है वो ताज़ा बने। तो इसी के लिए मैं सब्ज़ी अभी बना ले रही हूँ। आज के जो लंच सॉरी जो टिफ़िन मैं दे रही हूँ वो उसमें है आलू की सब्ज़ी है, आलू है और बंद गोभी की सब्ज़ी है। और सर्दियाँ हैं तो ये सब सब्ज़ियाँ ही जो है मिल रही हैं, बहुत ही अच्छा रहता है हेल्थ के लिए भी है। और ठीक है कभी कभी स्वाद चेंज करने के लिए कुछ अदर भी चीज़ें देती हूँ मैं टिफ़िन में, लेकिन कोशिश रहती है कि हफ्ते में 6 दिन स्कूल जाना है तो कम से कम 4 दिन तो ले के ही जाएँ वो खाना अच्छे से। तो जो है उसी के लिए मैं तैयारी कर ले रही हूँ। तो सब्ज़ी वगैरह सब मैं छौंक दे रही हूँ, और आटा वगैरह मैं भूज चुकी हूँ, अभी इन लोगों को मैं बनाते हुए दे दूँगी पराठा। और मैं कह रही थी ना हेल्थ इशू की बात, तो देखिए देखिए जिसके साथ जो जब होना है वो तो होगा ही, इसके लिए कोई कुछ भी कर नहीं सकता है। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि जो कम उम्र के लोग हैं बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, अपने हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम उन्हीं के साथ ज़्यादा, बेचारे वो तो दुनिया से भी चले जा रहे हैं। तो जहाँ ठीक है परहेज़ करना चाहिए, एक्सरसाइज भी करना चाहिए, रूटीन अच्छा रखना चाहिए, हेल्दी रूटीन रखना चाहिए। ये नहीं कि बस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्सरसाइज ही करें, या डाइटिंग पर है तो ठीक डाइटिंग ही करें, ये सब गलत बड़ी चीज़ें हैं। हर चीज़ का एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है, उस अनुपात में ही सबसे अच्छा रहता है।
तो बस मैं यहाँ टिफ़िन यहाँ पे सब रेडी कर ले रही हूँ बच्चों के लिए। और बच्चों का क्या है, उनको तो रोज़ ही एक्स्ट्रा चटपटा चीज़ें ही चाहिए खाने के लिए, लेकिन हमारा काम तो बस ये है ना कि देखना है कि हाँ दे तो रहे हैं चटपटा चीज़, तो ठीक है देना चाहिए, कभी कभी तो चल जाता है लेकिन रूटीन में नहीं कभी कभी। तो जो है बस इसी के लिए मैं अभी बना ले रही हूँ पराठे, और इधर मैंने रख दी है चाय, क्योंकि बाकी लोग भी जो है वो लोग भी सो के उठ चुके हैं, और ये सब काम मेरे इतनी मैं इतने हिसाब से जो है करना रहता है कि अपने लिए भी समय निकालना है। तो जल्दी जल्दी मैं पराठे वगैरह सब तैयार कर लूँगी, और उधर बन रही है चाय, और बच्चे भी उठ चुके हैं, वो भी तैयार होने को जा चुके हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जो जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना काम बटा हुआ है, अपना काम बटा है क्या, देखिए जितने हाथ होते हैं उतने काम हो जाते हैं तो अच्छा रहता है। अब मैं हूँ, मैं अंदर का कर लेती हूँ सारा काम जो है, मम्मी हैं वो बाहर का कर लेती हैं, अब क्योंकि हम लोग बाहर जाके तो जो है कुछ नहीं करना रहता मुझे फ़िलहाल, लेकिन अच्छा नहीं लगता है और हमें ज़रूरत भी नहीं है जाने की, तो हमारा काम जितना है यहाँ का काम है मैं वो से निपटाती रहती हूँ, तब तक वो उधर बाहर बच्चों को देख लेती हैं थोड़ा, और जो है बाहर के जो काम होते हैं वो देख लेती हैं। बाहर का काम मतलब गेट के बाहर का काम बता रही हूँ मैं, गेट के अंदर का काम सिर्फ मेरा है। तो होता है सब जगह का अपना अपना एक तरीका होता है करने का। तो बस इधर मेरी चाय भी बन के तैयार हो चुकी है, और बच्चों के लिए टिफ़िन भी बन चुका है, और मैंने दाल भी भिगो के रख दी है, क्योंकि इसके बाद में दाल जो है चढ़ाना रहेगा, लेकिन ये काम होंगे लेकिन अभी नहीं, जब झाड़ू वगैरह सब एक बार और जब बच्चे चले जाएंगे ना उसके बाद ये, तो इन लोग को टिफ़िन में पैक करके दे रही हूँ। और देखिए पराठे और सब्जी, बच्चे कहते हैं क्या है कि मम्मी रोज़ पराठे मत दिया करो, तो मैं कहती हूँ भैया रोज़ नहीं दे रही हूँ, एक दिन गैप करके देती हूँ, तो जो है आज के लिए आज यही है और आज यही लेकर जाओगे। मेरे बच्चे हैं ज़्यादा नखरे नहीं करते हैं, वो चुपचाप खा लेते हैं फिलहाल, लकी है भाग्यशाली हूँ कि जो है शांति से पूर्वक खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा कई बच्चे होते हैं बहुत नखरा करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे इतना नखरा नहीं करते हैं। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, और स्कूल जाने के बाद चले अपना हम अपना काम करने के लिए, तो थोड़ा सा जो है इस पूरे घर में जो है जो ये एरिया है यहीं पर सब बैठते वगैरह हैं, और जो है थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी यहीं पर करना होता है, तो ये लोग पूरी किताबें कॉपी सब यहीं फैला के जाते हैं। भाई जिसके घर में बच्चे होंगे उसके घर में तो गंदगी होगी ही, बच्चे हैं एक जगह सामान तो रखेंगे नहीं, और बच्चे क्या हम बड़े भी कभी कभी यही काम करते हैं कि कोई सामान एक जगह नहीं रख पाते हैं, सोचते हैं चलो बाद में रख लेंगे। तो बस यही है, सबको मैं हटा दूँ, हटा के फिर मैं एक बार अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, और लगाने के बाद इसको पोंछ दूंगी, और पोंछने के बाद जो है तब जाके खाना वगैरह जो है जो बने बनना होगा सो बनेगा। तो अभी तो मैं आई हूँ सबको साफ करके पोंछने के लिए, और उसके बाद मुझे नहाने जाना है। तो हम लोग का रोज का काम ऐसे ही है, नहा वहा के आ चुकी हूँ, और नहाने वगैरह के बाद जो है हमारा जो दूसरा काम होता है पूजा पाठ का, ये भी ज़रूरी है दिनचर्या में, ये भी शामिल है क्योंकि मन को शांति मिलती है, और जो है हर काम एक टाइमिंग भी हो जाता है। तो मैं मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितनी जल्दी हो सके मैं ये सब काम जो रेगुलर वाले हैं उन सबको हटा जल्दी जल्दी हटा सकूँ, जिससे जो डीप क्लीनिंग वाला जो काम होता है जैसे कपड़े वगैरह का काम हो गया, ये सब काम मैं बाद में करती हूँ लास्ट में करती हूँ। तो जिससे जो है थोड़ा सा अभी ठंड चल रही है तो थोड़ी धूप भी मिल जाती है, और गर्मियों में तो कोई बात नहीं है, गर्मी में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, दिन भी बड़े होते हैं, और अभी तो सर्दियाँ हैं तो दिन छोटे हैं। तो देखिए घर में पूजा पाठ होता है तो देख घर में एक अलग तरह की शांति होती है, और आपका मन भी थोड़ा सा शांत हो जाता है थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन अगर आप दो मिनट भी अगर हाथ जोड़ के बैठे हो तो आपका मन और एकाग्रचित हो ही जाता है, एक ही तरफ जाता है। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल पे जिसका नाम है अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड। तो प्लीज़ मेरे चैनल का नाम मैं इसलिए याद दिलाती हूँ क्योंकि क्या होता है कि बहुत से चैनल के नेम जो है ना काफ़ी सिमिलर हो जाते हैं, जैसे है कई चैनल हैं मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, तो इसलिए मैं अपने चैनल का नाम जो है आप लोग को बार बार याद दिलाती रहती हूँ कि मेरे चैनल का नाम है अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड, अमृता के बाद वो एपोस्ट्रॉफी बोलते हैं शायद एस लगा के अमृता लाइफस्टाइल एंड फूड, तो जो भी बोलते हैं बता दीजिएगा, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो जो है इसलिए मैं बार बार आपको जो है नाम याद दिलाती रहती हूँ। और जो है आज
सुबह से ही मतलब सारे काम वगैरह सब मेरे सारे काम वगैरह हो चुके हैं। मैंने बहुत इतने कि हम लोग काम करते करते इतने आदि हो चुके हैं कि हमें पता है कि हमें किस तरह से एडजस्ट करके चलना है, तो करना भी चाहिए, होता ज़रूरी भी है, तभी तो कुछ एक्स्ट्रा काम के लिए समय निकाल सकते हैं। और एक्स्ट्रा काम क्या है, जब रोज़ रोज़ एक्स्ट्रा काम नहीं होते, कभी कभी होते हैं तो निकल जाते हैं समय। तो आप बताइएगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, कैसे हैं, ठीक हैं, मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करिए कि मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है, कोई सजेशन हो तो उसको भी बता दिया करिए। एक्चुअली पीछे टीवी चल रही है तो हो सकता है आवाज़ डिस्टर्ब, तो एक मिनट टीवी पहले बंद कर लूँ। अब इन्हें भी जाना है तो मुझे खाना चढ़ाना है, तो दाल मैंने रख दी है चढ़ना जो है पकने के लिए, और सब्जी तो सुबह की बनी चुकी है, आटा वो यही है जो मैंने सवेरे गुथा हुआ था तो वो यूज़ होगा, और अभी मैं चावल वगैरह धो ले रही हूँ और धो करने के बाद मैं उसको चढ़ा दूँगी। जब तक वो तैयार होंगे तब तक उनका भी खाना बन जाएगा। मेरे हस्बैंड क्या है, लंच लेके नहीं जाते हैं, तो सिर्फ पराठों से काम नहीं चलता है, वो सवेरे जाते हैं तो उसके बाद सीधे रात को लौटते हैं, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि वो पूरा खाना खा कर ही जाए, और मेरे सारे काम भी हो चुके हैं। सबके जाने के बाद आखिरी में लास्ट में सुकून से बैठ के जो चाय पीने का आनंद है ना, वो हम हाउसवाइफ से पूछिए, सबको सब बहुत आपको बताएंगे कि हाँ ये टाइम जो है सबसे ज़्यादा आरामदायक समय होता है हमारे लिए। होता है काम तो दिन भर चलते रहेंगे भाई दिन भर, लेकिन थोड़ा समय अपने लिए तो बस इस टाइम में आराम से सुकून से बैठ के खाना पसंद करूँ, क्योंकि मुझे खाने के समय डिस्टर्बेंस बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो दिन का खाना हो या रात का, मैं लास्ट में लेके बैठती हूँ और अपने मन से अपने टाइम के हिसाब से देर तक खाती रहती हूँ, ऐसी मेरी आदत है। और बस घर भी साफ़ हो चुका है, मैं भी जो है एकदम बिल्कुल खा पी के फिट हूँ, और ये रखा हुआ है अभी, नीचे बहुत ठंड हो रही है इसलिए अभी मैं ऊपर आई हूँ, और जितने भी काम वगैरह थे वो सब हो चुके हैं। अब चलते हैं कुछ थोड़ा सा जो है धूप रह लेती हूँ, उसके बाद मैं चलूँगी तो कुछ दूसरा काम करूँगी। फिलहाल सोच रहे हैं इसका फॉल लगा लेते हैं, बहुत दिन से रखा हुआ है, समय नहीं मिल रहा था। आज का ब्लॉग बस इतना ही, अब मैं इस वीडियो का करूंगी यहीं पर एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे साथ बने रहिए, आपको नई नई चीज़ों से मिलवाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई नई चीज़ों के साथ और नई रेसिपीज़ के साथ, नई लाइफस्टाइल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।